और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोपहर करीबन 2:30 बजे फैसला आ सकता है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर सुनवाई पहले ही हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर आज फैसला आएगा और देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की गई है उसको लेकर इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। देखिए, ये भी आपको बता रहे हैं ईडी की तरफ से क्या कुछ अपील की गई है और केजरीवाल का पक्ष क्या कुछ है। ईडी साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिश्वत के लिए शराब नीति में बदलाव किया गया। केजरीवाल का पक्ष है कि चुनाव के लिए गिरफ्तारी पर जो है उन्होंने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, तो ईडी कह रहे हैं कि आप एक राजनीतिक दल है लेकिन पैसे से चुनाव लड़ा गया। साथ ही केजरीवाल का यह भी कहना है कि शुरुआती बयान में कहीं ना कहीं जो है अलग अलग बातें हैं, स्क्रिप्टेड है केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये उनके वकील कह रहे हैं, और चुनाव के बीच गिरफ्तारी पर सवाल उठे। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब आप ऐसे में समझिए, दिल्ली हाईकोर्ट जब आज फैसला सुनाएगी तो इन तमाम दलीलों के हिसाब से सुनाएगी जो ये पहले दलील दी गई थी केजरीवाल की तरफ से भी और दूसरी तरफ ईडी की तरफ से भी। अब ऐसे में क्या राहत मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली में हुए शराब घोटाले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां घोटाले की जांच में जुटी है। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया और इस घोटाले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया कि देखिए, केजरीवाल ने ही आतिशी का नाम लिया है, केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया, जिसका नाम लिया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मनोज तिवारी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये बड़ा निशाना साधा गया। घोटाला इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी है वहां तक तो पहुंचने की कोशिश करेगी ही जांच एजेंसी। अब रही बात कि इस शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जो निर्दोष है वो सत्य थोड़ा देर परेशान हो सकता है, लेकिन जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए,